हाय गाइस, मम्मी का फोन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक सेकंड में कार पार्क कर दूं। आज फिर से हमने कार से व्लॉग स्टार्ट किया है। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये रही मम्मी। तो आज हम जा रहे हैं बड़ी मस्त जगह पे। ओ भाई, तोड़ेगा। हमारा प्लान था 6:30 निकलने का, एज यूजुअल अब 7:15 हो गए हैं। आधा पौना घंटा हर बार की तरह लेट है और बहुत ठंडा है। ये नहाता नहीं आया, मैं अभी अभी नहाया हूँ। वो तो दो तीन दिन से नहीं नहाया। मम्मी नहा ही लेते हैं, सुबह सुबह। तो वाहेगुरु जी की बरकत। तो आज हम जा रहे हैं साधनवास। बचपन से हर साल, साल में दो तीन बार। तुम पिछले साल कब गए थे? तो हर साल की तरह इस बार हमारा प्लान ऐसे बना, मतलब पहले बन जाता था, फिर ऐसे हो जाता था कि नहीं जा रहे उस दिन, फिर ऐसे करते करते इस बार फाइनली बन गया। अब हम फाइनली निकल लिए हैं घर से। पर ये वाला व्लॉग में पिछली सीरीज मैंने अभी तक एंड नहीं करी, उसका डेटा थोड़ा ना स्कैटर हो रखा है। तो डेटा मिल गया तो इस व्लॉग से पहले डाल दूंगा, वरना इस शायद ना भी डालूं। तो हो सकता है यही वाला व्लॉग अगला आए। तो हम जा रहे हैं साधनवास, जो कि है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे। होता है ना, हर किसी की ऐसे फेवरेट प्लेस होती है। बच्चों की होती है, कईयों की गोवा जाना है, दुबई जाने, कईयों की दुबई होती है, कईयों की सिंगापुर होती है, हॉलीडे होम स्टाइल। हाँ, तो हमारी है साधनवास। तो हम लोग यहाँ से सिरसा से निकले हैं और मयंक जी जो वहाँ से मिलेंगे हमें भुना। मयंक जी जो हिसार से आ रहे हैं, कल गुड़गांव से आ गए थे और अब हिसार से आ रहे हैं भुना। तो अब उनसे मिलेंगे रास्ते में। हंसते हुए ऐसे लगते हैं धोखेबाज लोग। हमने इतना बड़ा धोखा दिया ना, हमने प्लान बनाया था कि हम फ्राइडे शाम को या फिर सैटरडे चलेंगे सुबह सुबह। ये लोग कल चले गए और आज सुबह वापस भी चले गए वहां से। ये लोग हम नहीं सुनते, हम बात ही नहीं करते धोखेबाज लोगों से। हम धोखेबाज लोगों से बात नहीं करते। सॉरी, लोकेशन भेजी है हम। ये कौन कौन है? मयंक जी जो हिसार से अभी निकले हैं। हम लोग हैं यहाँ पे और हमें जाना कहाँ पे है? हमें जाना है वहाँ पे। तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम 81 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे गाड़ी भगाएंगे, 45 डिग्री के एंगल पे अगर हमने उसको जंप कराया तो हम बिल्कुल उसी टाइम पे पहुंचेंगे। तो अभी हम जो है पहुंच गए हैं साधनवास। देखो तुम्हें तो क्या पता चलेगा। मयंक जी जो मिल गए थे हमें वहाँ रास्ते में भुना, वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं शूट करा। फिर आर्यन वहाँ चला गया जीजू के साथ कार में और ये लो पावर मोड आ गया था। दिव्य में यहाँ पे आ गया था, मैच देख रहे थे यहाँ पे, ये पैसे लगा रहे। एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी, एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का चलेगा। पैसे लगा रखे हैं इसने पूरे, कितने? 35 रुपीस। जीजू और पीछे रह गए थे, उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे फिर जाएंगे यहाँ से। इसके से लेफ्ट नहीं, सॉरी राइट, इधर राइट होते हैं, इधर से राइट फिर लेफ्ट फिर। ओ जी, फाइनली क्या कह रहे हो? मैंने आज फ्रूट भी खरीदा है। अच्छा, ये हमारी दूसरी गाड़ी लग रही है। प्लेसमेंट होगी गाइस, दिव्यम की प्लेसमेंट होगी। ये खड़ा होता है यहाँ पे, गर्दन डालेगा टाइम से, पैर पूर भी छू लिया करो पहली बार टाइम से कर रहे हैं। लाइट लूटे वाला नहीं करते, इधर पार्किंग करो, पैर में छू लिया करो, शर्म शुरू कर लिया करो, मारो मार इसके। अरे मासी, मासी नमस्ते। नमस्ते मेरे बेटा, और ठीक हो? सो गई? इसने नाखून किसने मार दिया? सो गई है नाखून, वो लड़ाइया भी करनी स्टार्ट कर दी इसने। अंकल नमस्ते, पैर ही फोड़ा। अंकल भूल जाते हैं पैर छुए हैं इसलिए। मोर जी क्या हाल है? राम राम। राम राम जी, राम राम, क्या हाल है? ठीक हो? और जी वो भी आया, वो भी आया, याद रखना। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम रात को आके सो गए थे और देखो यार, ओ बाबूजी बने हुए हैं, नोना बाबू बना हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या बन रहा है? पानी गर्म हो रहा है क्या? अच्छा, साग बन रहा है। देखो, गैस वाला खाया होगा तुमने, ये वाला नहीं खाया होगा। आप बना रही हो? मासी बना रही है। मम्मी को नहीं आता। नूर बना रही है। हेलो गाइस, सारे आए हुए हैं। नन्नी खुशी बोरे,
अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे महाशिवर के बिल्कुल साथ में गुरुद्वारा है, ऊपर जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बना गुरुद्वारा बिल्कुल साथ में है। छोटे होते थे ना, यहाँ से वो पीछे वाले ना पूरे खेत दिखते थे, उस साइड ना पूरे खेत दिखते थे। तो लोगों ने घर बना लिए, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं दिखता। अभी दिव्या मैं शो कह रहा था कि मेरे साथ नोएडा चल, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरे को बना दूंगा। खुशी देखो बात बोलते कुछ ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया तेरा हूं। किन्न शिकायत लाएंगी तू? ओ तेरा पापा कुछ नहीं कहता। है कितने तेरा पापा? पापा तो गया पार्टी ते। ऑफिस है। ऑफिस है। अच्छा। पढ़ने की एक्टिंग करी है? केड़ी लाइन है? स्लीपिंग लाइन है ते के या स्टैंडिंग लाइन है? तेरे में तो मेरी मैडम ने सिखाया ही नहीं। बता स्लीपिंग लाइन है या स्टैंडिंग लाइन है ये? दस दे। लाइन तो लाइन हो गए। सीधी हो या टेढ़ी? पढ़ती तो तू है नहीं, कॉपी टेढ़ी नहीं लग रही मेरे को ये। अच्छा मेरी है। राज देखे गई है? राज राज देखे गई है? कितने राज? ओरे घर तो मेनू पता है कितने बुला के तो लाया। ओरे ओरे ओ मेनू पता है, बुला तो लिया उन्नू जे शूज पा के जाते बुला के लिया। मोबाइल ते चढ़ी जानी है नूरी। और आज तक करता मेनू पता है, बुला के ता लिया उन्नू। चल आप दोनों चलिए। उधर से जाती है, इधर से क्यों नहीं आई? ओ गिर गई। क्या राज स्कूल गई? ये पट्टे बांध लिए। ओ ते ओ नु भूख नहीं हैगी इधर मुंह करके नूरी। चचे रिया ना साथ में ये। आ, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जा रहे हैं खेत में, पहले प्लान था पैदल जाने का या रेडे पे जाने का। रेडे पे जा नहीं सकते, वहाँ पे ना अभी रोड बन रही है। फिर हमारा प्लान था पैदल जाने का, पैदल। फिर वो हमारे साथ हुआ है ना एक बुजुर्ग बंदा, वो कहता मैं चल नहीं सकता, अभी आ रहा है। मैं बताता हूँ बैग वैग क्यों लेकर आ रही है? अच्छा कोई और खड़ा है बैग वाले के पीछे। चलो चलिए नूर। देख लाइए तीन जगह गड्डी रस्ते खड़ी करनी तो अपने रस्ते तो ही ले ली। रास्ते में लगा सकते हैं अपने वाले तो, ये देखना पड़ेगा कहां तक करना है। उससे भी आगे चली जाएगी, देख ले थोड़ी चल। हां अपने साइड से ले लीजिए फिर आप। कार यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, गेट खुले ओके बंद। पहले क्या होता ना, एक रास्ता ना जैसे इधर से वट वट के साथ जाता था, एक इधर से जाता था। तो आर्यन और मैं पैदल आते रहे घर से, एक जना इधर से जाता रहा, एक जना इधर से जाता रहा, देखते रहे कौन पहले पहुंचेगा उस पॉइंट पे। आगे वाला पॉइंट दिखाता, कोई लॉजिक नहीं था इस बात का। हम बस सोचते थे कि ये रास्ता छोटा है बराबर ही, वहां से जैसे सीधे जाएंगे यहाँ से सीधे जाएंगे उतना ही यहाँ से उधर जाएंगे और उतना ही वहां से उधर जाएंगे। तो पानी करने के लिए यहाँ से चल जाते थे, यहाँ पे बिल्कुल मार्च के टाइम पे। एक बार क्या हुआ, बेबो और हम सारे आए हुए थे, तो ना जैसे इधर हम आ रहे रेडे पे आ रहे, बेबो छोटी सी थी तो ना ऐसे पूछते आ रही किसका खेत है किसका खेत है। मैं बोलता रहा उसको, यहाँ पे आके ना बस यहाँ पे इंडिया ख़त्म हो जाता है, अभी आगे इस साइड खेत सारे पाकिस्तान के। फिर दो खेत आगे गए, वहाँ पे जाके बोलता रहे अब ये बांग्लादेश के आ गए, ऐसे ऐसे ना अलग अलग कंट्रीज के। हाँ सोलर भी लगाने लग गए हम। अच्छा ये दिन हेल्प करते हुए यहाँ पे इंटे पड़ी। अच्छा साइड में बाइक बाइक का रास्ता छोड़ा हुआ इन्होंने बस, वो भी बाइक है। हाँ आगे लगा रहे होंगे, आगे हम खेत में अपने। ओ गाड़ी खड़ी है उधर, वहां पे दिख रही है।
यहाँ पे पेड़ था पहले बहुत बड़ा, काट दिया, पता नहीं गिर गया इधर वाला भी, झाड़ दिया पेड़ एक जगह पे, कुआं होता था पहले इस जगह पे, ये वाली होती नहीं थी, होती यहाँ पे होती थी पहले, कच्ची होती थी। वीडियो कौन है? हम लोग जा रहे हैं पट्टे उठाने, ये अकेला नहीं जाता, ये कोई काम नहीं करता अकेला, आते हैं वहाँ पे बैठ जाते सेठ की तरह, तो चाय पिला दो बस इसको, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। मैं तो फिर मैंने बोला कि चल कोई काम कर लेते हैं, अंकल कर रहे हैं जब से काम, और क्या पट्टे उठाता हूँ अभी, ये कट्टे पड़े हैं, अंकल ने काट दिए थे पट्टे, पता है ना क्या होता है सबको, भैंसों भैंसे जो खाती है ना वो खाएगा, तू विश्वास होते हैं तू खा के देख ए बॉडी बिल्डर। आपने देखा होगा हम यहाँ आके बचपन से ऐसे नहाते हैं, बट इस बार जल्दी बाहर आ गए हम, इस बार ना मतलब जैसे पानी वहाँ चलता है खेत में तो आगे कहीं ना कहीं लगता है, तो अभी ये जो सीजन होता है ना इसमें इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, तो हमने बस 5-10 मिनट ही चलाई मोटर और नहा लिया ठंड में, जनवरी के महीने में खेत में ठंडी हवा के बीच में, अब गरम गरम चाय पियेंगे, अब चाय पियेंगी नहीं पीती है, स्पेशल चाय बनाई है मैंने बढ़िया वाली। जब भी चाय का इतिहास लिखा जाएगा जेठालाल, वो तुम्हारे त्याग के बिना पूरा नहीं होगा मेरे दोस्त। आया मजा ठंड में नहा के, रिफ्रेशिंग था, रिफ्रेशिंग। मजेदार खेत में चाय, और बाप दे जा, जिन लोगों ने नहीं ट्राई करा ना वो नहीं समझ सकते ये खुशी, ठंड में खेत में नहाने की फिर गरम गरम चाय पीने की। यहाँ पे सरसों के साथ ऐसे सेल्फियां ले रहे हैं और घर जाके सिमरन को एडिट कर देगा साथ में सिमरन एडिट होएगी इसकी, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो, और उसकी उसकी गुजरात मिलेगी इसकी गुजरात में मिलेगी अपन जल्दी आ जाएंगे वापसी, फिर खुशी और सर बैठेंगे ना सही थोड़ी देर बैठेंगे, हाँ 7 बजे हैं और 8-8:30 वापस आ जाएंगे, जब तक खुशी और भी आ जाएंगे, ठीक है लगा दे गोल्डन लेट करा दिया अभी हम लोग जा रहे थे गोल्डी बिया की शॉप पे, और रास्ते में बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे, बहुत देर से पूरा 1 मिनट हो गया, और ट्रेन आ गई साथ के साथ ही, ये हम गोल्डी बिया की शॉप पे बैठे थे, हमारे पास रेड पड़ गई रेड मारी है हम पकड़े नहीं गए नहीं पकड़े गए ऐब हो गया हमारा, रेड रेड पड़ गई रेड मम्मी अभी एक्टिंग करेंगे, खुशी खुशी बचपन में कैसे करती थी खुशी बचपन में गुस्सा कैसे करती थी, मम्मी अभी एक्टिंग करके बताएंगे, करो करो बड़ी हो गई, एक बार करो बताओ बताओ खुशी ऐसे उड़ते उड़ते उड़ जाओ खुशी गुस्सा करती थी ऐसे। The next day. So आज तीसरा दिन है, प्लेट नहीं मिली क्या आपको? नहीं मिली यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, आंटी नमस्ते बेटा, तंदूर वाली प्याज वाली रोटी, चटनी है साथ में, चटनी नहीं कल वाली पड़ी है ना, हाँ वो पड़ी है। ओ फाइनली 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 नन्नी
नन्नी आ गया, ये देखो ये रहा। ये मजाक कर रहा हूँ नन्नी, ये रहा। ना ही नहीं, ये ब्रश करे आजा फिर। बोल क्या, तीन चार जगह पे दांत है। ठंड बहुत है यार, मैंने ये स्वेटर पहनी आज घर पे बनी हुई है, मम्मी ने बनाई थी घर पे। हमारी प्याज वाली रोटी चल रही है, ऊपर घी है, ये मक्खन नहीं है, ये लस्सी, ये नन्नी। नन्नी का हिसाब पता चला मेरे को आज, ये आज के लिए रोटी गिन के नहीं खाता, ये टाइम दे के खाता है। अब 9:30 हुए तो कह रहा 10 बजे तक खाता रहूंगा, चाहे 10 बजे तक एक खाऊं चाहे 10 बजे तक 50 रोटी खाऊं। मीडियम में रोड़ा पाई बैठे सारे ना के आना था गुरुद्वारे का, कल से यही पहन रखे, परसों से नहीं, आज ही डाली है। और आज ही डाली है अभी, तेरा आज तेरा 48 घंटे का होता है क्या? आगे हम बिल्कुल साथ वाली गली में, साथ ही रहा मासी का घर, इधर गुरुद्वारा। मेहमान ही वापिस जा रहे हैं, मेहमान वापस। ओए होए, एक रात कमाई होगी रात की। दाड़ी मिल गई। इसकी ट्यूशन है, और ट्यूशन जाने की जल्दी हो रही है, बताओ कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो आती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कभी टोहाना गए थे मासी के, मेरी मासी ने घर लिया था उनके घर पे, फिर हमारा प्लान था कि वहां से वापस सीधा सिरसा निकलने का, लेकिन अब हमने प्लान चेंज किया, वापस से हम 7 दिन वहां से आ गए, है ना नूर? यस। बोली आर्यन चाचा, बोल आर्यन चाचू फुकरा, होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम नहीं रुक रहे, आज जा रहे हैं वापस, और ये मम्मी सामान इकट्ठा कर रही है, मेथी गोभी सारा सामान इकट्ठा कर रही है। I'll be the last one left when the lights go out.